नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। और चलिए आज लगाते हैं क्रोटन की कटिंग। क्रोटन बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, इसे आप धूप में और छांव दोनों जगह रख सकते हैं। धूप में रखते हैं तो इसका रंग बहुत निखर कर आता है और इसके पत्ते पीले पीले हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पौधा। मेरे पास इसके दो पौधे हैं, एक मदर प्लांट है और एक मेरा मतलब कटिंग से ही लगाया हुआ है। तो और अब तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें से कौन सा असली है, तो मतलब कौन सा मदर प्लांट है। तो चलिए इसकी कटिंग निकाल लेते हैं। ये मैंने अपने दोनों क्रोटन्स के पौधे में से कटिंग निकाल ली है। कटिंग आपको पेंसिल के बराबर मोटाई की निकालनी है ताकि रूटिंग अच्छी सी हो सके। जितनी कटिंग जितनी ही अच्छी होती है उसमें रूटिंग उतनी ही अच्छी होती है। और कोशिश करिएगा कि कटिंग थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी वुडन हो ताकि गले नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है जब हम कटिंग में, क्योंकि कटिंग लगाने के लिए प्रॉपर नमी बनाकर रखते हैं तो कटिंग कभी कभी गल भी सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कटिंग करिए तो अपने कटर को सैनिटाइज़ ज़रूर रखिएगा। तो ये हमने अपने पौधे से 5 कटिंग काट ली है। कटिंग का नोड एरिया 45 डिग्री पे ज़रूर काट लें ताकि इसमें रूटिंग जल्दी हो सके। कटिंग काटने के बाद हमें सारी पत्तियाँ इसकी हटा देनी है और हमें एक छोटे से गमले में, जितने बड़े पॉट में ही आपको लगाना हो, मेरे पास ये पुराना गमला पड़ा हुआ था, मैंने इसमें से अडेनियम के पौधे रिपोर्ट किए थे, मैंने लगाए हुए थे, तो इसका सॉइल मिक्स मेरा बहुत अच्छा है। और आपको भी ऐसा ही सॉइल मिक्स रखना है जो कि बहुत ही भुरभुरा हो और जड़ें आसानी से फैल सकें। सॉइल मिक्स आपका जितना अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आपके पास भी कोई पुराना गमला इस तरह से पड़ा हुआ है तो आप भी उसकी मिट्टी को इस तरह से मतलब बराबर कर लीजिए, इसमें जो भी जड़े वगैरह हैं या जो भी मिट्टी के कण हैं मोटे मोटे वो सब हटा दीजिए। और अगर आप अलग से बना रहे हैं तो एक भाग मिट्टी, एक भाग कोकोपीट, एक भाग रेत और एक भाग वर्मी कंपोस्ट लेके आप एक गमले में इसका सॉइल मिक्स बना लीजिए। और सॉइल मिक्स बनाने के बाद आप कोशिश करिए कि जिस गमले में आप भरें उसकी ऊपरी सतह को, सरफेस को थोड़ा सा चिकना कर दीजिए, मतलब बराबर कर दीजिए। उसके बाद आपकी जितनी कटिंग हो पेंसिल की सहायता से उतने ही आपको मतलब उतनी जगह बना लेनी है। मैं ये आपको कटिंग लगाने का बहुत ही बेसिक तरीका बता रही हूँ और मैं ज़्यादातर अपनी कटिंग्स ज़्यादातर पौधे इसी तरह लगाती हूँ, क्योंकि बीज भी मैं बहुत बेसिक तरह का इसी लगाती हूँ और कटिंग भी मैं बेसिक ही तरीके से लगाती हूँ। तो ये जो सॉइल मिक्स है ये बहुत ही नॉर्मल है और ये तरीका भी बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स हो तो आप रूटिंग हार्मोन्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको दो तरीके से बताऊँगी। पहला तरीका है, ये मेरे पास रूटिंग हार्मोन्स पाउडर है। अब आप कटिंग ले लीजिए, अच्छी कटिंग को 45 डिग्री सेंटी मतलब 45 डिग्री पर काट लीजिए और 1 इंच तक कटिंग मिट्टी के अंदर आपको दबानी है। इस तरह आप रूटिंग हार्मोन्स पाउडर में मिला लीजिए और कोशिश करिए कि रूटिंग जो पाउडर है वो अच्छे से लगे। और होल करने के बाद सीधे आप उसमें आराम से बहुत एहतियात से ऐसे रख दीजिए बिना हिलाए डुलाए। इसी तरह से मैंने 3 कटिंग जो हैं वो रूटिंग हार्मोन्स की सहायता से लगाई हैं। देखिए 1, 2 और ये 3 कटिंग, 3 कटिंग मैंने रूटिंग पाउडर में ला के लगाई हैं और बाकी की 2 कटिंग मैंने एलोवेरा में मिला के लगाई हैं। एलोवेरा भी बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है, इसे रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। मैंने सदाबहार की कटिंग भी अपनी एलोवेरा में ही लगाई है, मैं किसी दिन आपको उसका अपडेट दूंगी। तो इस तरह से आप लगा लीजिए कि कटिंग के 1 इंच तक एलोवेरा का जेल अच्छी तरह से लग जाए और उसका जो नीचे का एरिया है वो उसके जेल में पूरी तरीके से भीग जाए इस तरह से। क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन था तो फिर मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाई थी, बट आप कोशिश करिए जब आप लगाएं तो इतना हिस्सा आपका जल में भीगा हुआ हो और इसी हिस्से को आपको मिट्टी में दबा देना है। ये देखिए बहुत इत्मीनान से मिट्टी में दबा देना है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से आप लेकर और एलोवेरा में अच्छा से लपेट दीजिए। जितने अच्छे से लपटेगा
ये देखिए इस तरह से इतने नीचे के एरिया में एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से लग गया है। और बस इसको आराम से हम गमले के अंदर दबा देंगे। पांचों कटिंग हमारी रख गई हैं। अब एक बार टैप कर देंगे ताकि एयर बबल जो है वो सारे हट जाएं, और फिर हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि जितनी भी एयर पॉकेट हैं उसकी दब जाएं और कहीं से इनमें हवा ना लगे। ये देखिए इस तरह से सब दबा देंगे, हल्के हल्के हाथों से पूरा सरफेस आप बराबर कर लेंगे ताकि कहीं से भी उबड़ खाबड़ ना हो या कहीं से आगे कभी रूटिंग प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। इसे अच्छे से दबा देंगे। चारों तरफ से हल्के हाथों से दबाते हुए टैप कर देंगे। मैंने पांचों कटिंग एक ही में लगाई हुई हैं। अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। पहली बार जब वाटरिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से वाटरिंग करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले बार जब हम वाटरिंग करेंगे तो उसी में हमारी जो कटिंग्स हैं वो रूटिंग की तरफ होती हैं, रूटिंग लेती हैं और पौधा हमारा बनना शुरू हो जाता है। नीचे से अच्छे से मिट्टी गीली कर देंगे। उसके बाद जब हमें लगे कि हमारी ऊपरी सतह सूखी हुई है या ड्राई है तभी हमने वाटरिंग करनी है, वरना हमें वाटरिंग नहीं करनी है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अभी शुरू के कम 10 दिनों में इसे आप छाए में रखिए। उसके बाद आप चाहें जब इसमें थोड़ी थोड़ी नई नई पत्तियाँ आने लगे तो आप धूप में रख सकते हैं, और इसकी निचली सतह को मॉइस्ट बनाए रखिए तो आपकी कटिंग बहुत ही जल्दी लगती है। वाटरिंग अच्छे से देना है और इसी तरह आप कटिंग लगा सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी इसी तरह आपके पास वीडियो आते रहेंगे और बस इसी तरह हम एक पौधे से ढेर सारे पौधे बनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।